कि इस घर में घुसते हैं। मिलने के बहाने ये तीनों लोग इस घर में घुसे। घर में प्रवेश करने के बाद में इन लोगों ने वहां पर चाय पी, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद में जब बातचीत का दौर शुरू हुआ तभी हमलावरों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 4 गोलियां सुखदेव सिंह गोगामेडी के सिर में, उनकी छाती में लगी। वहीं पर एक गोली उनके जो सिक्योरिटी गार्ड था उन पे लगी और वहीं बताया जा रहा है जब बदमाश हमलावर वहां से भाग रहे थे तो एक गोली उसने स्थानीय व्यक्ति की स्कूटी के मतलब इसके भी लगी, जिससे स्कूटी छीन करके वे लोग भागे थे। लेकिन पूरे मामले में एक हमलावर के भी गोली लगने की बात स्पष्ट हो चुकी है, जो कि डीसीपी साउथ योगेश गोयल ने साफ कर दी है कि एक बदमाश के भी इस फायरिंग में गोली लगी है। इस फायरिंग के दौरान जिसे हॉस्पिटल में ले जाया गया है और उसकी जो शिनाख्त है, पहचान जो है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, सुखदेव सिंह गोगामेडी को बताया जा रहा है कि गोली मार दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, श्यामनगर इलाके में गोली मारी गई है। राजपूत कर्णी सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोगामेडी को मेट्रो मास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग की वारदात हुई है। राजपूत कर्णी सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोगामेडी और उन्हें बताया जा रहा है कि इलाज के लिए मेट्रो मास अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, श्यामनगर इलाके में बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया है, फायरिंग की गई है और गोली जो है वो सुखदेव सिंह को लगी है। बड़ी बात यह है कि श्यामनगर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और राजपूत कर्णी सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोगामेडी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जयपुर से ये खबर है, सुखदेव सिंह पर फायरिंग की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं। विष्णु, सुखदेव सिंह की अभी हालत कैसी है, कुछ पता चला? देखिए, अभी फायरिंग के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी की हालत जो है काफी क्रिटिकल बताई जा रही है और उन्हें लेकर के जो मेट्रो मास हॉस्पिटल है वहां उनको रेफर किया गया है। वहीं हॉस्पिटल में उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात है कि राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े ये फायरिंग की वारदात श्यामनगर इलाके में हुई, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका घर भी श्यामनगर इलाके में, और यहीं पे अज्ञात हमलावरों ने आज गोगामेडी पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद इलाके में दहशत मच गई और फिर लोगों ने फायरिंग के बाद जब आरोपी हमला फरार हो गए उसके बाद पुलिस को लोगों ने सूचना दी और तब गोगामेडी को लेकर के मेट्रो मास हॉस्पिटल। विष्णु, हाल ही में अभी चुनाव हुए हैं तो चुनावी रंजिश माना जाए या फिर आपसी रंजिश, कोई खबर निकल के आई इस मामले में? हाँ, बोलिए। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी पिछले करीब 1-1.5 साल से खुद पर जानलेवा हमले के जो संदेह जता रहे थे, उनका कहना था कि लगातार उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। इस संबंध में वे पहले जयपुर पुलिस कमिश्नर, उसके अलावा पुलिस मुख्यालय में भी लिखित में भी ये बात दे चुके थे कि कुछ लोग उनको लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और इसी बीच आज ये फायरिंग की वारदात हो भी गई। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने बाकायदा उन लोगों के फोटो भी कुछ के आए थे जिनके नाम और फोटो के जरिए सुखदेव सिंह गोगामेडी को धमकियां दी गई थी। बाकायदा उनके नाम के साथ में उनके हथियारों के साथ फोटो जो थे वो गोगामेडी ने पुलिस को उपलब्ध भी कराए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पूरा जो मामला है वो हकीकत में हुआ जबकि गोगामेडी पर फायरिंग हो गई तो पुलिस के जो उच्च अधिकारी जयपुर कमिश्नरेट के वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। फुटेज जो आसपास लगी हुई सीसीटीवी फुटेज उनकी जांच की जा रही है। जी, तो आप बता रहे हैं कि पुलिस को उन्होंने पहली आशंका जता दी थी कि उन पर हमला हो सकता है, तो सुरक्षा दी गई थी पुलिस की तरफ से या फिर नहीं? देखिए, पुलिस की ओर से सुरक्षा देने के भी तो कोई जानकारी सामने नहीं है, लेकिन बात ये बिल्कुल सही बात है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को लगातार थ्रेट मिल रहा था, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और ये जो धमकियां थी वो भी देश के जो कुछ गैंगस्टर्स, जो नामी जो गैंगस्टर्स उनकी ओर से दी जा रही थी, ऐसा गोगामेडी का कहना था पहले भी। चूंकि लगातार राजपूत चूंकि कर्णी सेना के वे अध्यक्ष हैं तो उन्हें कुछ ऐसे जो नामी जो राजस्थान के गैंग है उनकी ओर से ये आपसी टसलबाजी की वजह से ये धमकियां दी गई थी। जी, धमकियां कैसे मिल रही थी इसके बारे में जानकारी निकल पर आ पाई है? टेलीफोन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, या फिर जब वो जा रहे थे तो किसी और व्यक्ति से उन्हें धमकियां मिल रही, ऐसा कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, सुखदेव सिंह गोगामेडी चूंकि आनंद पाल जब एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद मुखर होकर गए थे, राजपूत नेता है काफी, तो ऐसे में कई जगहों से इनकी जो किन गैंग से इनकी आपस में रंजिश भी थी। तो ऐसे में धमकियां जो थी व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, मैसेज के जरिए, फोन के जरिए उनको दी जा रही थी, जिस संबंध में उन्हें सुखदेव सिंह गोगामेडी लगातार कई बार पहले भी जयपुर कमिश्नरेट में मिले हैं, नजर आए हैं और उसके पीछे उनकी वजह यही थी कि उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। जिनके फोटो कुछ जो संभावित जो संदिग्ध शख्स थे उनकी फोटो भी सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पुलिस को उपलब्ध कराई थी, ऐसी जानकारी है। जी। तो पुलिस ने क्या कहा है, शक किस पर है, क्योंकि उनकी तरफ से अगर सारे साक्ष्य उपलब्ध करा दिए गए थे तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। यहाँ पर लापरवाही पुलिस की भी है। विष्णु, खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, सुखदेव सिंह गोगामेडी को बताया जा रहा है कि गोली मार दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, श्यामनगर इलाके में गोली मारी गई है। राजपूत कर्णी सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोगामेडी को मेट्रो मास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग की वारदात हुई है। राजपूत कर्णी सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोगामेडी और उन्हें बताया जा रहा है कि इलाज के लिए मेट्रो मास अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, श्यामनगर इलाके में बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया है, फायरिंग की गई है और गोली जो है वो सुखदेव सिंह को लगी है। बड़ी बात यह है कि श्यामनगर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और राजपूत कर्णी सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोगामेडी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जयपुर से ये खबर है, सुखदेव सिंह पर फायरिंग की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं। विष्णु, सुखदेव सिंह की अभी हालत कैसी है, कुछ पता चला? देखिए, अभी फायरिंग के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी की हालत जो है काफी क्रिटिकल बताई जा रही है और उन्हें लेकर के जो मेट्रो मास हॉस्पिटल है वहां उनको रेफर किया गया है। वहीं हॉस्पिटल में उनका उपचार किया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात है कि राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े ये फायरिंग की वारदात श्यामनगर इलाके में हुई, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका घर भी श्यामनगर इलाके में है और यहीं पे अज्ञात हमलावरों ने आज गोगामेडी पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद इलाके में दहशत मच गई और फिर लोगों ने फायरिंग के बाद जब आरोपी हमलावर फरार हो गए उसके बाद पुलिस को लोगों ने सूचना दी और तब गोगामेडी को लेकर के मेट्रो मास अस्पताल। विष्णु, हाल ही में अभी चुनाव हुए हैं तो चुनावी रंजिश माना जाए या फिर आपसी रंजिश, कोई खबर निकल के आई इस मामले में? हाँ बोलिए। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी पिछले करीब 1.5 साल से खुद पर जानलेवा हमले के जो संदेह जता रहे थे, उनका कहना था कि लगातार उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। इस संबंध में वे पहले जयपुर पुलिस कमिश्नर, उसके अलावा पुलिस मुख्यालय में भी लिखित में भी ये बात दे चुके थे कि कुछ लोग उनको लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और इसी बीच आज ये फायरिंग की वारदात हो भी गई। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने बाकायदा उन लोगों के फोटो भी कुछ के आए थे जिनके नाम और फोटो के जरिए सुखदेव सिंह गोगामेडी को धमकियां दी गई थी। बाकायदा उनके नाम के साथ में उनके हथियारों के साथ फोटो जो थे वो गोगामेडी ने पुलिस को उपलब्ध भी कराए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पूरा जो मामला है वो हकीकत में हुआ जबकि गोगामेडी पर फायरिंग हो गई तो पुलिस के जो उच्च अधिकारी जयपुर कमिश्नरेट के वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। फुटेज जो आसपास लगी हुई सीसीटीवी फुटेज उनकी जांच की जा रही है। जी, तो आप बता रहे हैं कि पुलिस को उन्होंने पहली आशंका जता दी थी कि उन पर हमला हो सकता है, तो सुरक्षा दी गई थी पुलिस की तरफ से या फिर नहीं? देखिए, पुलिस की ओर से सुरक्षा देने के भी तो कोई जानकारी सामने नहीं है, लेकिन बात ये बिल्कुल सही बात है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को लगातार थ्रेट मिल रहा था, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और ये जो धमकियां थी वो भी देश के जो कुछ गैंगस्टर्स, जो नामी जो गैंगस्टर्स उनकी ओर से दी जा रही थी, ऐसा गोगामेडी का कहना था पहले भी। चूंकि लगातार राजपूत चूंकि कर्णी सेना के वे अध्यक्ष हैं तो उन्हें कुछ ऐसे जो नामी जो राजस्थान के गैंग है उनकी ओर से ये आपसी टसलबाजी की वजह से ये धमकियां दी गई थी। जी, धमकियां कैसे मिल रही थी इसके बारे में जानकारी निकल पर आ पाई है? टेलीफोन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, या फिर जब वो जा रहे थे तो किसी और व्यक्ति से उन्हें धमकियां मिल रही, ऐसा कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, सुखदेव सिंह गोगामेडी चूंकि आनंद पाल जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद मुखर होकर गए थे, राजपूत नेता है काफी, तो ऐसे में कई जगहों से इनकी जो किन गैंग से इनकी आपस में रंजिश भी थी। तो ऐसे में धमकियां जो थी व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, मैसेज के जरिए, फोन के जरिए उनको दी जा रही थी, जिस संबंध में उन्हें सुखदेव सिंह गोगामेडी लगातार कई बार पहले भी जयपुर कमिश्नरेट में मिले हैं, नजर आए हैं और उसके पीछे उनकी वजह यही थी कि उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। जिनके फोटो कुछ जो संभावित जो संदिग्ध शख्स थे उनकी फोटो भी सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पुलिस को उपलब्ध कराई थी, ऐसी जानकारी है। जी, तो पुलिस ने क्या कहा है, शक किस पर है, क्योंकि उनकी तरफ से अगर सारे साक्ष्य उपलब्ध करा दिए गए थे तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। यहाँ पर लापरवाही पुलिस की भी है। विष्णु, क्या कहा उन्होंने, शक किस पर है? देखिए, अभी तक पुलिस की जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हैं। अभी तो सुखदेव सिंह गोगामेडी से भी अगर वे होश में होंगे तो उनसे बात की जाएगी कि आखिर हमलावर कौन थे, क्योंकि अभी हमलावरों के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई कि कितने हमलावर थे, क्या उन्होंने नकाब पहन रखा था, क्या वो कैसे आए थे, ये भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा और थोड़े कुछ समय के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार क्या श्यामनगर में आसपास सीसीटीवी के जरिए कुछ साक्ष्य विष्णु जुटाए जा सकते हैं। बिल्कुल जिस जगह श्यामनगर इलाके में ये फायरिंग की वारदात सामने आई, वहाँ पर काफी जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उनकी मदद पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने में लेगी। लेकिन इस बात से हो सकता है कि अब राजस्थान में राजपूत जो 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 नेता हैं या जो युवक हैं उनमें भी आक्रोश देखने को मिले। जी, आपका इशारा गैंगवार की तरफ है? देखिए, गैंगवार इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की छवि जो एक समाज राजपूत बड़े लीडर के माने जाते हैं युवाओं के, और हालांकि अपनी बयानबाजी की वजह से वो विवादों में भी रहे, काफी आक्रामक बयानबाजी करते सुखदेव सिंह गोगामेडी करते रहे हैं। साथ में आनंद पाल के समय में वो काफी मुखर होकर के सामने आते हैं। ऐसे माना जा सकता है कि और जो एंटी गैंग है वो गोगामेडी पर फायरिंग करें। कितने देर पहले की घटना है और गोली कहाँ लगी है आखिर? देखिए, अभी जो अभी करीब आधा घंटे पहले की ये वारदात है, जब लेकिन जब फायरिंग हुई तो उसके बाद जब लोगों ने देखा कि गोगामेडी पर फायरिंग की गई, उसके बाद गोगामेडी की सूचना पुलिस को दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रहिएगा, आगे आपसे जानकारी लेंगे। बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग की गई है, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कांग्रेस विधायक और सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी गई है, बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। उससे जुड़े अब लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्यामनगर इलाके में गोली मारी गई है। राजपूत कर्णी सेना के प्रदेशाध्यक्ष है गोगामेडी को मेट्रो मास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग की गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों ने, जो अज्ञात आरोपी है, उन्होंने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है। श्यामनगर इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की उन्होंने। हालत जो है बताया जा रहा है कि उनकी गंभीर है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। अब आरोपी वो कौन है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जानकारी ये भी है कि इससे पहले लगातार सुखदेव सिंह ने पुलिस को इस मामले में जानकारी दी थी कि उन पर जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की, कुछ लोग फिराक में हैं और इसी वजह से उन्होंने जो है साक्ष्य भी बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस अधिकारियों को दिए थे। संवाददाता विष्णु टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, कोई अपडेट सामने आया? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क करने की विष्णु से कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और हैरान करने वाली भी। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात को अंजाम दे करके वो फरार हो गए हैं। श्यामनगर इलाके में गोली मारी गई है, सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग हुई है। राजपूत कर्णी सेना के प्रदेशाध्यक्ष गोगामेडी मुखर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लगातार चर्चा में बने रहते हैं। और अब ये बड़ी खबर है कि इससे पहले भी उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी कि उनकी जान को खतरा है, कुछ लोग उनको पर जो है फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। जानकारी ये है कि आज जो है दिन दहाड़े उन पर फायरिंग की गई है, गोली मारी गई है। हालांकि गोली उनके शरीर में किस हिस्से पर लगी है इसकी जानकारी नहीं है। उनकी हालत नाजुक है। लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सुखदेव को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मास अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु टेलीफोन लाइन पर। विष्णु, अपडेट कुछ सामने आया क्या इस पूरे मामले में? देखिये, पूरे मामले में भी एक अपडेट सामने आया कि बताया 2 से 3 राउंड फायरिंग सुखदेव सिंह गोगामेडी पर हुई है और सुखदेव सिंह के साथ वारदात के वक्त में, फायरिंग के वक्त में उनका गनमैन, जो निजी गनमैन था, वो भी उनके साथ में था। और श्यामनगर में ये फायरिंग की वारदात हुई है। गोली कहाँ लगी है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सुखदेव सिंह जो गोगामेडी है फिलहाल अभी मतलब स्थिति उनकी जो है वो नाजुक है। उनको मेट्रो मास हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और आज करीब अभी कुछ देर पहले की घटना थी, जबकि सुखदेव सिंह गोगामेडी श्यामनगर में अपने घर के बाहर ही मौजूद थे और तभी अज्ञात हमलावरों ने गोगामेडी पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि करीब 1.5-2 साल से गोगामेडी को लगा